बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है। गाजियाबाद में नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है। करीब 2 साल की बच्ची बताई जा रही है जिसके साथ रेप की वारदात हुई है। इंद्रपुरम थाने में रेप और पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बच्ची की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि परिजनों ने पास ही में रहने वाले एक युवक पर आरोप लगाया है। साथ ही आरोपी युवक मौके से फरार बताया जा रहा है जिसने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस पर लापरवाही का आरोप बरतने का आरोप लगा रहे हैं परिजन। थाने पर बीजेपी पार्षदों ने जमावड़ा भी लगाया है इसके विरोध में। गाजियाबाद की विश्वाली इलाके की एक घटना है जहां पर एक नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है। करीब 2 साल की बच्ची बताई जा रही है जिसके साथ एक युवक ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता कर्णवीर कश्यप। कर्णवीर, यहाँ पर एक बार फिर इंसान को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। 1-2 साल की बच्ची के साथ इस तरह की मामला सामने आया है। हाँ बिल्कुल मोनिका, गाजियाबाद के वैशाली इलाके का ये पूरा मामला है। एक परिवार है जो उस सोसाइटी के बाहर प्रेस कपड़ों पे करते हैं। उनकी बच्ची है करीब 2.5 साल की। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी बच्ची के साथ किसी ने गलत काम किया है। बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, वहाँ जो प्राइवेट पार्ट है उस पर काफी इंजरी मिली है। कई 23 टाके भी बच्ची के आए हैं। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस गंभीरता से नहीं ले रही थी। जब लोगों ने हाई हल्ला किया और पुलिस के खिलाफ आवाज उठाई, जब जाकर के देर रात मुकदमा दर्ज हुआ। कई बार ये मुकदमा दर्ज हुआ है। अपने आप में पुलिस की संवेदनहीनता बच्चों के खिलाफ, बच्चों के प्रति इस पूरे मामले में नजर आती है। वहीं जो आरोपी युवक है वो परिवार के जान पहचान का है और वो भी फरार चल रहा है। जी मोनिका, बिल्कुल कर्णवीर, जिस तरीके से आपने बताया कि संवेदनशील नहीं है बच्चों को लेकर, यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है पुलिस प्रशासन की लापरवाही किस तरह से नजर आ रही है, इसकी वानगी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर क्या कुछ अभी कहना है पुलिस प्रशासन का? क्या जिस तरीके से देखा जा रहा है एक गंभीर मुद्दा यहाँ पर है, एक बच्ची के साथ, 2 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, तो इस मसले पर किस तरह से गंभीर नजर आ रही है और किस तरह की कार्यवाही अभी की जा रही है पुलिस प्रशासन द्वारा? देखिए, ये तमाम बच्ची के साथ घटना 2 दिन पहले हुई और 2 दिन से लेकर रात देर रात तक ये पुलिस की संवेदनहीनता नजर आती रही। लेकिन जब लोग इकट्ठा हुए और लोगों को इस पूरी मामले का पता लगा तो इंद्रपुरम थाने पर वो लोग गए और उन्होंने पुलिस पर दबाव बनाया। जब जाकर के पुलिस का गरुड़ टूटा, उसके बाद पुलिस के आला अधिकारी के हस्तक्षेप के बाद इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। फिलहाल पॉस्को एक्ट 376 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के दावे किए जा रहे हैं कि जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन सबसे खास और अहम और दुखद बात यह है कि जो बच्ची के साथ इस घटना को अंजाम देने वाला जो युवक है वो बच्ची के परिवार की जान पहचान का है और सभी लोग मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहने वाले हैं और पहले से एक दूसरे को जानते हैं। यानी कि बच्ची के साथ दरिंदगी के मामले में एक बार फिर जान पहचान वाला ही युवक जो है दरिंदगी करके निकल गया।